हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए कितनी सुंदर कॉस्मस की फ्लावर्स किला है। मैंने इसको ऑनलाइन सीड्स मंगाई थी, तो इसमें मिक्स कलर था, एक वाइट था, एक बेबी पिंक और एक डार्क पिंक था। जो कि ये वाला है वाइट, मैंने सोचा था, लेकिन पिंक पिंक फ्लावर में वाइट शेड है, लेकिन बहुत सुंदर है। कोई बात नहीं, और ऐसा भी अच्छा लग रहा है, तो शायद वाइट नहीं आया है, पिंक और बेबी पिंक। बेबी पिंक में वाइट शेड। तो देखिए 15 सीड्स था, शायद 150 में, शायद मैंने ऑनलाइन, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे प्राइस का, लेकिन 15 सीड्स था। उसमें 3 प्लांट उगाया है, तो 3 प्लांट में 3 कलर्स आया है, तो आप देख सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर फ्लावर्स किला है। देखिए अभी अभी सुबह का 8 बज रहे हैं, मैं ऊपर छत पर अपनी गार्डन देखने के लिए आई हूँ। तो देखते ही इस फ्लावर को मैंने देखा तो खुशी हुआ, इसलिए वीडियो कर रही हूँ। तो देखिए आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। छोटी सी प्लांट पॉट है, प्लांट भी छोटी छोटी है अभी। कितनी बढ़िया कलर है, तो देखिए फ्रेंड्स 2 दिन से बारिश आ रहा है और प्लांट्स एकदम बढ़िया खुश है, फ्लावर से भर गया है पूरा गार्डन। और देखिए कुलियस का कटिंग्स कितनी अच्छी हेल्दी हेल्दी लग रहा है, मैंने पॉट में भी लगाया है। तो फ्रेंड्स इसमें भी वाइट फ्लावर्स मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाई थी, तो खिलने स्टार्ट हुआ है। देखिए कितना सुंदर फ्लावर्स है। 2 दिन से बारिश आ रहा है, इसलिए हमने ऊपर नहीं आए थे, पानी देने के लिए आते थे, तो 2 दिन से लगातार बारिश हो रहा है, इसलिए ऊपर नहीं आए। हमने इस फ्लावर को देखा नहीं था, अभी देख रहे हैं कितनी सुंदर फ्लावर्स खिला है। देखिए अभी ये खिलेगा, वाटर लिली पर्पल कलर में है। इधर एक कली है, आपको दिख रहा होगा, नजदीक से मैं दिखाऊंगी। तो कुलियस का है, केलाडियम का, एस्प्रेगस का, ये जो मैंने एनिमल्स का शेप दिया था पिकॉक का, तो फिर से बुशी हो गया है, मुझे फिर से इसको सेप देना है। बालसम का फ्लावर्स देखिए, और ये बोगनविलिया का, ढेर सारा फ्लावर्स खिला है। मॉर्निंग ग्लोरी, फ्रेंड्स देखिए मैंने रोज़ का पूरा कटिंग कर दिया है, प्रूनिंग कर दिया है इसका, तो कितनी बढ़िया नया नया ब्रांचेस निकल रहे हैं।
जो जो रेड कलर में आपको दिख रहा है वो पूरा नया ब्रांचेस है। इसमें ढेर सारा रोज खिलता है, मैं ऐसे ही आपको अपडेट्स दिखाती रहूंगी। देखिए कलिया है पूरा, एक ही ब्रांचेस में छः सात कलिया है, तो आपको दिख रहा होगा, नज़दीक से दिखाऊंगी। देखिए ये पूरा कलिया ही है, पूरा मैंने कटिंग किया था। कर दिया है तो कितनी अच्छी इसकी ग्रोथिंग है, हो रही है। ये वाला मैंने सीड से उगाई थी, देखिए छोटी सी एक पॉट में लगाई हूँ, और इधर भी और छोटे छोटे प्लांट्स दिख रहा होगा आपको, डेलिया का। देखिए डार्क मैरून में है, कॉस्मोस येलो कलर में है, ये ऑरेंज में है, वो वाला लास्ट में रेड कलर का है, टिकोमा का है ये। देखिए टिकोमा में भी फ्लावर्स खिल रहे हैं, सब इंडोर प्लांट्स है। इसको अभी लेके जाना है, 2-3 दिन हो गया बारिश में। हाइबिस्कस खिल रहा है, मैरून कलर में है। देखिए इसमें सीड्स बन रहे हैं अडेनियम में, व्हाइट कलर की है, पहले वीडियो में आप देखा होगा कॉस्मस की, येलो कलर की है ये। और ये है मॉर्निंग ग्लोरी, और ये जीनिया का। ऑरेंज है, येलो है, फिर से ऑरेंज है, ये पीच कलर में है, ये मेरे फेवरेट कलर है, और ये फिर से ऑरेंज, और ये है कॉस्मोस। ये पूरा मेरा हर श्रृंगार का प्लांट सूख गया था, पूरा मैंने कटिंग कर दिया, फिर से नया ब्रांचेस आ रहा है। देखिए पहले वीडियो में मैं इसका कलिया दिखाई थी, तो अभी फ्लावर खिला है। और ये येलो हाइबिस्कस कल एक खिला था, देखिए कल एक फ्लावर खिला था, तो आज एक खिला है। ये नाग चंपा है, एक ही फ्लावर खिला है, और ढेर सारा कलिया है बन रहा है अभी। और ये पीच कलर में डेलिया है, और ये वाला मैरून का है। चिड़िया यहाँ पे फ्रेंड्स घोंसला बना रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी सी अपना घर बनाया है। ये डबल पेटल वाला हाइबिस्कस कटिंग किया था मैंने अच्छी सी, अभी कलिया बन रहे हैं। देखिए कितना ढेर सारा कलिया खिलने वाला है। तो इधर फ्लावर्स खिला है, इसमें भी फ्लावर खिलेगा, कलिया अभी खिलने को रेडी है ये। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है, मॉर्निंग ग्लोरी का सीड्स मैंने डाल दिया था, तो सीड्स
छोटी सी प्लांट है, इसमें फ्लावर्स के फ्लावर खिल रहे हैं, कलिया भी बन रहे हैं। इससे भी छोटा प्लांट ये है, तो बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।